ये चीज़ है यार दोस्तों। ओ वीडियो शूट कर रहे हो आप यार, क्या चीज़ है क्या चीज़? अच्छा आज तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये चीज़ है कैपेसिटर, और आज आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कैपेसिटर का क्या काम है। तो वेलकम टू पहाड़ी इलेक्ट्रिशियन, दिस इज रजत चौहान दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा कैपेसिटर। तो चलिए कैपेसिटर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ऐसा उपकरण जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, किस फॉर्म में? चार्ज फॉर्म में, उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। और देना, कैपेसिटर का काम होता है मैं एनर्जी को स्टोर करता है और एकदम मिली सेकेंड में दे देता है, मतलब लेता है देता है लेता है देता है लेता है देता है। एक काम होता है इसका, 22 वर्ष ये काम होता है कैपेसिटर का। जैसे कहा आपका फैन है, फैन में कौन सी चीज़, कौन किस टाइप का कैपेसिटर यूज़ किया जाता है? ये कैपेसिटर यूज़ किया जाता है सीलिंग फैन कैपेसिटर में, ये कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? पहली बात, आपका फैन सिंगल फेज पे चलता नहीं, दो फेज पे चलता है, इसलिए कैपेसिटर यूज करते हैं। कैपेसिटर सिंगल फेज को डिवाइड करता है दो फेज में, स्प्लिट कर देता है फेज को, उसमें कैपेसिटर का काम होता है। अगर आप कैपेसिटर यूज ना करें फैन में, तो आपका फैन स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट होगा जब आप उसको धक्का देंगे, फिर धक्के वाला काम होना, फिर एंटी क्लॉक वाइज भी चल पड़ेगा और क्लॉक वाइज भी चल पड़ेगा। इसलिए कैपेसिटर का बहुत ही बड़ा रोल है। जैसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, कैमरा है, इसमें फ्लैश लाइट लगी है साइड में, तो लाइट तो इतनी सी है, बैटरी कितनी वोल्ट की है इसकी? इसमें 5-6 वोल्ट की होगी, तो इतनी बैटरी इतनी फ्लैश कैसे कर रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? कैपेसिटर का कारण है, एनर्जी को स्टोर कर रहा है फिर दे रहा है, स्टोर कर रहा है दे रहा है, लेता है और देता है, एकदम एनर्जी स्टोर कर लेता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और वो जो प्लेटें रखी होती है बीच में ना, वो कॉन्स्टेंट प्लेटें होती हैं, वो पॉजिटिव चार्ज भी उतना होगा, नेगेटिव चार्ज भी उतना ही होगा। आइए अब हम डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं कि कैपेसिटर क्या चीज़ है। जब दोस्तों ये है आपकी कैपेसिटर की डायग्राम, ऐसे बनी है, कुछ खास नहीं बनी है। तो जब बैटरी को ऑन किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आते हैं, तो इसको मतलब चार्ज कर देते हैं। प्लेट ए से कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्लेट बी को चार्ज कर देते हैं। और जब स्विच को बंद किया जाता है तब भी इसमें को चार्ज रहता है। उसे हम कैसे चेक करते हैं? जब हम कैपेसिटर की दोनों लीडों को आपस में शॉर्ट करते हैं ना, तो स्पार्किंग पैदा होती है। तो उसको हम प्रैक्टिकल से देखेंगे कि कैसे चेक किया जाता है। तो आइए सबसे पहले प्रैक्टिकल ही कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं कि एक कंडक्टर में कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, डाइइलेक्ट्रिकल मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रैक्टिकल ही कर लेते हैं कि कैपेसिटर को कैसे यूज़ किया जाता है और इसमें कैसे स्पार्किंग पैदा की जाती है। तो आइए दोस्तों, ये है कैपेसिटर, तो आइए इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या सा पटाखा होता है और कैसे स्पार्किंग होती है। सॉरी पूरा मत मान यार। सबसे पहले हम इसको सॉकेट में चेक करते हैं, तो इसको इसमें डालो, स्विच को ऑन करो और 2 या 3 सेकंड रखो और निकालो, और उसके बाद शॉर्ट करो। ये हो गया पटाखा, हो गया ना पटाखा, तो आपका कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। एक बार ट्राई कर लेते हैं, और दो या 3 सेकंड रखने से ऊपर मत रखना। एकदम देखो, एकदम चार्ज हो गया। बैटरी कितना करती है ये? तो कितना टाइम करती है? और 10 वोल्ट की बैटरी है आपकी, मान लो इसको आपने सॉकेट में लगा दिया, तो आई थिंक लग जाएगा जाएगा आपकी बैटरी को चार्ज होना। और ये मिली सेकंड में चार्ज, और मिली सेकंड में देता है, ये काम होता है कैपेसिटर का। तो देखना अभी इसमें एक पटाखा होगा, यानी स्पार्किंग पैदा होगी। ये देखो थोड़ी कम हुई यार, लेट मी ट्राई। तो आपका कैपेसिटर बिल्कुल ठीक रही। तो ये था आपका प्रैक्टिकल, कैसे चेक किया जाता है। बैटरी पे डिपेंड है, बैटरी की ही तरह काम करता है। तो आइए इसके बारे में और डिस्कस करते हैं आगे। तो दोस्तों अभी आपने कैपेसिटर को चेक किया कि ठीक था कि खराब था, पर दोस्तों एक बात समझ नहीं आई यार, एकदम एनर्जी ले रहा है और एकदम दे रहा है। तो बैटरी बैटरी भी इसकी तरह काम करती है यार। बैटरी में एक बड़ा रोल ये होता है, बैटरी एकदम नहीं करती यार। अगर आपकी मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है, अभी मैंने इसका जिक्र किया, 20 वोल्ट की बैटरी है आपकी, आपने चार्ज पे लगा दी,
तो कितना टाइम लेगी? मैक्सिमम ले लेगी यार 1 घंटे तो ले लेगी। और चार एक कैपेसिटर एकदम ले रहा है और एकदम दे रहा है, यही तो बात है कैपेसिटर की यार। एकदम लेता है चार्ज और एक ही दम दे देता है, मिली सेकंड में काम होता है कैपेसिटर का। कैपेसिटी एक, जैसे आपका कैमरा है, DSLR कैमरे देखे हैं आपने, उसमें कितनी बड़ी फ्लैश होती है, बैटरी तो इतनी सी होती है यार, इतनी सी होती है बैटरी, तो वो कैसे आती है लाइट को इतनी बड़ी? उसमें भी कैपेसिटर यूज किया जाता है, एकदम मतलब एनर्जी को स्टोर करते हैं एकदम टक। आप अपने कमरे में जाना और अंधेरा करना उस कमरे में, और फ्लैश ऑन करना कैमरे की, कितनी बड़ी फ्लैश होगी पूरी। तो यही कारण है कैपेसिटर का। कैपेसिटर यार हर जगह यूज है, मतलब आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में कैपेसिटर का बहुत ही बड़ा रोल है। लेजर बीम होगी, वहाँ पे कैपेसिटर का यूज होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है लैपटॉपों में। फिर कैपेसिटर क्या है आप AC सर्किटों में, जैसे DC। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि ये मेटल कंडक्टर किस चीज़ के बने होते हैं और कौन सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ किया जाता है इसमें, तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों कंडक्टर में आपका जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, टिन, ये आपकी फॉइल होती, पेपर टाइप होते हैं, मतलब पतली पतली पेपर होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं। और उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपका पेपर हो गया, माइक हो गया, सेरेमिक हो गया, ग्लास हो गया, एट्सेट्रा, इस टाइप के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। और ये जो प्लेटें होती हैं ना, इनमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती, क्योंकि अगर आपने, अगर मान लो अगर आपका ये कैपेसिटर है, मान लो ये आपका कैपेसिटर है, और आपने ये जितनी इतनी डिस्टेंस रखी, एक प्लेट यहाँ पे रखी, एक प्लेट यहाँ पे रखी, तो इसकी कैपेसिटेंस बहुत कम होगी, तो इसको बहुत ही नज़दीक रख रखना पड़ता है और एरिया ज़्यादा होता है। जैसे मान लो कैपेसिटर है आपका, कैपेसिटर है, एरिया तो इसका ठीक ही है, ठीक ही लग रहा है, एरिया है, डायमीटर भी ठीक है इसका, इसके अंदर जो प्लेटें हैं ना अभी बिल्कुल नज़दीक हैं, ज़्यादा दूर नहीं रखी, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक रखी है कि पॉजिटिव नेगेटिव को एकदम अट्रैक्ट कर ले, ऐसा हिसाब, ऐसा कुछ होता है इसमें। और दोस्तों इसके टाइप हैं बहुत, फिक्स कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो दोस्तों यही था मेरा टॉपिक, कैपेसिटर इतना बड़ा टॉपिक नहीं था। आगे हम कैपेसिटर के बारे में ये पढ़ेंगे कि इसके कितने टाइप्स हैं, कहाँ यूज़ किया जाता है। यूज़ तो आज हमने पढ़े नहीं, इतने ऐसे देखा, हम इसका प्रैक्टिकली किया। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, तो कमेंट करके मेरे को बताना, और मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक पक्का कर देना। ये मेरी थी एक ऐसी सी छोटी सी वीडियो थी कैपेसिटर के ऊपर। कैपेसिटर के बारे में तो यार बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी इसके टाइप्स आएंगे, डाइलेक्ट्रिक मटीरियल आएंगे, परमीबिलिटी आएगी, परमिटिविटी आएगी, इसमें ही यूज की जाती है क्या, कि कहाँ कहाँ यूज होता है, बहुत ज़्यादा है कैपेसिटर, बहुत ज़्यादा है यार। ये तो एक डेफिनेशन थी, तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं छोटी वीडियो बनाऊंगा आज। तो अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आपको पूरी कैपेसिटर के बारे में बताऊंगा, कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती है यार, कितना मटेरियल यूज़ किया जाता है, एयर कैपेसिटर क्या होते हैं, इस बारे में सभी डिस्कस करेंगे हम, हर चीज़ की डिस्कस करेंगे कैपेसिटर के बारे में। तो दोस्तों मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक पक्का कर देना और सपोर्ट पक्का करना। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।